क्या आपको याद है जब कहा जाता था कि 21 दिसंबर 2012 को धरती का अंत हो जाएगा, क्योंकि उस दिन निबरू नाम का एक ग्रह धरती से टकराने वाला था। आखिर ये निबरू ग्रह है क्या? चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। 1995 को नैन्सी लीडर ने ये कहा कि उसके ब्रेन में एक इम्प्लांट है और वो जेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम के एलियन से संपर्क कर सकती है। वो कह रही थी कि एलियंस ने उससे कहा है कि तुम इंसानों को चेतावनी दे दो कि 2003 को निबरू नाम का एक ग्रह धरती से टकरा जाएगा, लेकिन 2003 को कुछ नहीं हुआ। तो निबरू पर विश्वास करने वालों ने ये कहा कि साल 2012 को धरती से टकराएगा, पर उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में निबरू से धरती के विनाश के बारे में कहा गया, मतलब कुछ साल का गैप करके हर बार लोगों को डराने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कुछ लोग इसे प्लैनेट एक्स या फिर प्लैनेट 9 भी कहते हैं। कुछ साल पहले जकरिया सिचिन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द 12th प्लैनेट था। इस किताब के मुताबिक निबरू नाम का एक प्लैनेट है जिसे प्राचीन सुमेरियंस ने इस सोलर सिस्टम का 12वां ग्रह बताया है। इसमें सुमेरियंस ने प्लूटो, चांद और सूरज को भी प्लैनेट ही कहा था। उन्होंने कहा था कि ये हर 3600 साल में धरती के पास से गुजरता है और इंसान उसी निबरू में ही इवॉल्व हुए थे। और जब ये प्लैनेट धरती के पास आया तो उन्होंने इस पृथ्वी को कॉलोनाइज कर लिया। हिस्टोरियंस और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के मुताबिक जकरिया सिचिन ने सुमेरियंस द्वारा लिखे गए ग्रंथों को गलत ट्रांसलेट किया है, क्योंकि सुमेरियंस ये सोचते थे कि सिर्फ 5 प्लैनेट होते हैं, ना कि 12। और ना ही वो ये कहते थे कि इंसान निबरू से आए थे। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार कोई प्लैनेट जो हर 3600 साल में इनर सोलर सिस्टम में एंटर करता हो वह एक स्टेबल ऑर्बिट में रह ही नहीं पाएगा। ऐसा प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ चला जाएगा या फिर सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया जाएगा, जहां से उसकी ट्रेजेक्टरी उसे दोबारा सोलर सिस्टम में प्रवेश ही नहीं करने देगी। जकरिया सिचिन की इस किताब का अब तक 26 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और उसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। साइंटिस्ट्स को आउटर सोलर सिस्टम में एक भी ऐसा बड़ा प्लैनेट नहीं मिला है जो कि निबरू के अस्तित्व के दावों को थोड़ा भी सम्मान दे सके। आउटर सोलर सिस्टम में हमें सिर्फ सडना नाम का एक प्लैनेटॉइड ही मिला है। प्लैनेटॉइड उस पिंड को कहा जाता है जिसे ना ही हम एक प्लैनेट कह सकते हैं और ना ही एक कॉमेट। इसका सरफेस इस सोलर सिस्टम के सबसे सुंदर कलर वाले सरफेस में से एक है। इसका क्लोजेस्ट अप्रोच सूर्य से 76 AU दूर होता है और सबसे फार्देस्ट अप्रोच के समय ये सूर्य से 937 AU दूर रहता है। इस कारण सेडना को धरती का एक चक्कर लगाने में 11400 साल का समय लगता है। और अगर निबरू को 3600 साल लगते हैं तो वो तो सेडना के करीब होगा, पर हमें तो कुछ नहीं मिला। अक्टूबर 2011 को धरती के पास से एक एलेनिन नाम का कॉमेट पास होने वाला था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ये कह डाला कि ये कोई कॉमेट नहीं बल्कि निबरू है जो हमारे विनाश को ला रहा है, पर वह 4 करोड़ किलोमीटर दूर से ही निकल गया और ये कॉमेट सिर्फ 5 किलोमीटर के साइज का था। निबरू के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हमेशा इससे जुड़ी बातें बदलते रहते हैं, इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हमेशा लाइमलाइट में बने रहने के लिए निबरू से जुड़ी नई नई कहानी बनाते रहते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट पर एक अफवाह बड़ी जोरों की उड़ गई थी कि कॉमेट एलेनिन, जिसे निबरू कहा जा रहा था, उसके धरती के तरफ अप्रोच करने के कारण ही जापान में मार्च 2011 में भीषण तबाही आई थी, क्योंकि निबरू ने पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट को 3 डिग्री बढ़ा दिया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट को भविष्य में भी कोई 3 डिग्री नहीं बढ़ा सकता। फिर एक बार कहा गया कि V838 मोनोसिरोटिस नाम का एक तारा ही निबरू है, क्योंकि इसकी लाइट बढ़ती जा रही है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को लगा कि ये धरती के करीब आ रहा है, इसलिए बड़ा होता जा रहा है। पर नासा के मुताबिक ये एक तारा है और इसमें लाइट एको नाम की प्रक्रिया होती है जिसमें इसकी रोशनी इस तारे के चारों ओर कभी बिखर जाती है तो कभी चारों ओर की रोशनी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि फॉरेनर्स अपनी किताब बेचने के लिए दुनिया भर के लोगों को कैसे सी बनाते हैं। तो इसलिए आप भी निबरू जैसी वाहियात थ्योरी से दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में आपको निबरू से जुड़ी किसी बात को फिर से सुनने का मौका मिले।
प्लैनेट 9 या निब्रू नाम का कोई ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं है और ये सिर्फ किताबें बेचने का एक हथकंडा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वेबसाइट researchtvindia.com को भी विजिट करें। जय हिंद दोस्तों।